हे वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे बच्चे, पता है मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, तो इन्हीं सब शब्दों को बोल करके भारत ही नहीं सारे लोग अंग्रेजी बोलना सीखते हैं। इन्हीं शब्दों को यूज करके जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और जो सीरीज हमने आपको दिया है, ये छोटा मत समझो, ये बहुत बड़ा है। इसी को प्रयोग करके आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे, अंग्रेजी आसान हो जाएगा। आप इसे आसान मत समझो, बस स्क्रीन शॉट लेकर के बस मेरे साथ चल चलो और देखो मेरे साथ। हमने कहा एक वर्ड लिया नो यूज, एक शब्द क्या लिया हमने, नो यूज लिया। अब नो यूज का मतलब कोई फायदा नहीं, इसको याद कर लिया, नो यूज कोई फायदा नहीं, नो यूज कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, नो यूज। अब इसको सेंटेंस में डाल डाल के बोलूंगा, हजार सेंटेंस, क्यों नहीं बोलना आ जाएगा, अभी चेक करता हूं। दौड़कर कोई फायदा नहीं, नो यूज रनिंग, दौड़कर कोई फायदा नहीं, नो यूज रनिंग। बोलना शुरू करो मेरे साथ, बोलो फटाफट, नो यूज रनिंग, दौड़कर कोई फायदा नहीं। या फिर बोल सकते हैं दौड़ने से कोई फायदा नहीं यार, नो यूज रनिंग यार। तो नो यूज रनिंग ये बोल करके आप क्या करना है, याद करना है। चिल्लाकर कोई फायदा नहीं, नो यूज शाउटिंग, चिल्लाकर कोई फायदा नहीं, नो यूज शाउटिंग, शिकायत करके कोई फायदा नहीं होगा। बोलते ना हम लोग कहीं ऑफिस में जाते हैं, क्या बोलते हैं, शिकायत करके कोई फायदा नहीं, शिकायत करके कोई फायदा नहीं, नो यूज कंप्लेनिंग, नो यूज कंप्लेनिंग, नो यूज आर्गुइंग, बहस करके कोई फायदा नहीं, नो यूज हैरिंग, जल्दी करके कोई फायदा नहीं, नो यूज डांसिंग, नाच करके कोई फायदा नहीं। तो आप देख रहे हो, तो इसको क्या करो, याद करो, दौड़कर कोई फायदा नहीं, नो यूज रनिंग, चिल्लाकर कोई फायदा नहीं, नो यूज शाउटिंग, शिकायत करके कोई फायदा नहीं, नो यूज कंप्लेनिंग, नो यूज आर्गुइंग, नो यूज हैरिंग, नो यूज डांसिंग। तो कहीं भी आप इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। आपके लिए यह अंग्रेजी आसान बनाने का प्रयास हमने किया है, हमने बीड़ा उठाया है कि मैं भारत में हर एक बच्चे को अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा। बस आपका यह काम है कि हर एक बच्चों को शेयर करके दे दीजिए, ताकि भारत में हर बच्चा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसे कोई मतलब नहीं, हर बच्चा जिसके पास मोबाइल हो वो सही यूज करके अंग्रेजी बोलना सीख जाए। बस यही मेरा मकसद है, ये आपका काम है, मेरा काम है आपको देना, आपका काम है पूरे भारत में क्रांति फैलाना। अगला देखो, लुक्स। लुक्स का मतलब क्या होता है, लुक्स मतलब दिखाई पड़ता है, लगता है। अब लगता है का 10 दूंगा, अभी एक देखो, क्या लुक्स लगता है, क्या लगता है भाई, तो देखने पर लगता है। जैसे किसी चीज को देखा तुमने, नहीं कहते हो कि आसान लगता है, किसी चीज को देख लिया बोला आसान लगता है, लुक्स इजी यार, लुक्स इजी। स्वच्छ लगता है, कहीं देखा कि चारों तरफ साफ सुथरा है, आपने कहा लुक्स क्लीन, साफ सक लगता है, लुक्स क्लीन। एक एक वर्ड सीखोगे तब ना बड़ा बड़ा बोलना आएगा। इसका चौथा सीरीज दे रहा हूं मैं, तीन पहले दे चुका हूं, ये चौथा देखो, पुराना लगता है, लुक्स ओल्ड, लुक्स ओल्ड, पुराना लगता है, गीला लगता है यार, है ना, देखने पर गीला लगता है, लुक्स वेट, गीला प्रतीत हो रहा है, नया लगता है, लुक्स न्यू। तो जो भी चीज लगता है ना, उसको ऐसे ही बोलो, फिर से एक बार, आसान लगता है, तुम बोलो आसान लगता है, बोलो लुक्स इजी, स्वच्छ लगता है, लुक्स क्लीन, पुराना लगता है, लुक्स ओल्ड, गीला लगता है, लुक्स वेट, नया लगता है, लुक्स न्यू। और दिखाता हूं आपको नए सिरे से अगला कॉन्सेप्ट। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या कॉन्सेप्ट यहां पे हो रहा है। एक्चुअली मैं चाहता हूं ना कि आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओ, आप जहां कहीं भी हो, जहां कहीं भी देख रहे हो, बस आप बोलना सीख जाओ अंग्रेजी, और सीख जाओगे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। बस मेरे अनुसार चलो, यूट्यूब को आप यूज करो एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कि आपको अंग्रेजी सिखा रहा है, बस इसको पढ़ना है, इसको देखना नहीं है, सीखना है। यूट्यूब डीएसएल बस देखो, और देख के बस सीखने का प्रयास करो। हमने कहा फील्स, फील्स मतलब क्या भाई, लगता है, इसके पहले भी लग रहा था ना, लेकिन देखने पर, यहां पर लग रहा है, छूने पर, किसी को छुआ तो बड़ा मुलायम लगा, नरम लगा, तो हमने कहा नरम लगता है, फील सॉफ्ट, नरम लगता है, फील सॉफ्ट, है ना, सख्त लगता है, छुआ तो कठोर लग रहा था, तो फील्स हार्ड। अब टेबल को छुआ, बोर्ड हार्ड लगता है, तो फील्स हार्ड, नरम लगता है, तो फील सॉफ्ट, चिपचिपा लगता है, चिपचिपा सा लगता है, फील्स स्टिकी, स्टिकी मतलब चिपचिपा, इससे नया नया वो क्या भी तो मिल रहा है, बोलना भी तो आ रहा है, क्यों नहीं आएगा भाई, बस बोलने का प्रयास तो करो, बोलो मेरे साथ, नरम लगता है, फील्स सॉफ्ट,
सख्त लगता है फील्स हार्ड, चिपचिपा लगता है फील्स स्टिकी, ढीला लगता है ढीला फील्स लूज, सूखा लगता है फील्स ड्राई, बोलो ना। तो जब आप बोलोगे ना तो ये दो दो वर्ड आपके अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग कर देगा। सारे टेक्निक साइड करो, बस जो सीरीज चलाया हूं इस सीरीज को फॉलो करो। अभी छोटा दे रहा हूं, कल बड़ा बड़ा दूंगा, कल बड़े बड़े तूफान दूंगा, हजार सेंटेंस बना बनाओगे, बड़े बड़े सेंटेंस बोलना आएगा। बस एक एक क्रम से आगे बढ़ो। हमने बीड़ा उठाया है हर बच्चों को सिखाने का, सूखा लगता है फील्स ड्राई, जल्दी से बोलो, नरम लगता है फील्स सॉफ्ट, सख्त लगता है फील्स हार्ड, चिपचिपा लगता है फील्स स्टिकी, ढीला लगता है फील्स लूज, सूखा लगता है फील्स ड्राई। आ गया अगला देखो, फिर है टेस्ट। अब टेस्ट का मतलब ही लगता है, तो कैसा लगता है भाई? तो टेस्ट करके देखोगे तब न लगेगा, खाकर देखोगे तब न लगेगा। तो क्या लग रहा है? बढ़िया लगता है। किसने पूछा, किसने खिलाया तुमको? तुमने कहा बढ़िया लगता है यार। तो टेस्ट वंडरफुल, टेस्ट वंडरफुल, टेस्ट में इस लगा दिया हमने, टेस्ट वंडरफुल, ठीक लगता है टेस्ट ओके, ठीक लगता है टेस्ट ओके, अच्छा लगता है टेस्ट गुड, मतलब खाया अच्छा लगता है टेस्ट गुड है यार, टेस्ट गुड है, टेस्ट अच्छा है, अजीब लगता है यार, ये तो बड़ा अजीब लगता है, टेस्ट स्ट्रेंज, बड़ा अजीब लगता है, बहुत मीठा लगता है, बहुत मीठा लगता है, टेस्ट टू स्वीट, टेस्ट टू स्वीट, बहुत मीठा लगता है, टेस्ट टू स्वीट, बहुत मीठा लगता है। तो एक बार मेरे साथ बोल दो जल्दी से, बढ़िया लगता है, जल्दी से लिख भी लो ना और बोलो भी, बढ़िया जल्दी बोलो फटाफट, तुम बोलो फटाफट, बढ़िया लगता है टेस्ट वंडरफुल, ठीक लगता है टेस्ट ओके, अच्छा लगता है टेस्ट गुड, अजीब लगता है टेस्ट स्ट्रेंज, बहुत मीठा लगता है टेस्ट टू स्वीट। और दिखाता हूं, और दिखाता हूं, अभी देखो आप, और अबे तुम देखो पांचवा नंबर क्या लिखा है, स्मेल, स्मेल मतलब लगता है, स्मेल मतलब ही लगता है, सूंघने पर भाई स्मेल क्या है, गंध देगा, सूंघने पर लगता है, गंध लेने पर लगता है, जैसे कोई चीज स्मेल कर रहा है तो लगता है ना, तो अच्छा स्मेल अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कैसा लगता है, उसी को अंग्रेजी में उद्गार व्यक्त करना है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसी को अंग्रेजी में उद्गार व्यक्त करना है। आ जाएगा अंग्रेजी, कौन सा देखो फटाफट, मीठी गंध है या गंध मीठी लगती है यार, नहीं होता कभी सूंघते हैं तो गंध मीठा मीठा लगता है, तो बोलो स्मेल स्वीट, स्मेल स्वीट बोलो, चाहे स्मेल स्वीट बोलो, या तो स्मेल बोलो या तो बोल दो स्मेल्स स्वीट, स्मेल्स स्वीट, स्मेल स्वीट, मीठी गंध लगती है, यानी जो गंध है ये मीठा मीठा सा गंध है, स्मेल्स स्वीट, अच्छी गंध है यार। किसने पूछा कैसा गंध लग रहा है, अच्छा है, स्मेल्स गुड, स्मेल गुड मतलब गुड स्मेल है, अच्छा स्मेल है, ठीक गंध है, गंध ठीक है यार। बस खरीदने गए अगरबत्ती, आपने कहा स्मेल ठीक है, आपने क्या बोला, स्मेल्स ओके, स्मेल्स ओके ठीक है, मतलब चलेगा काम, घर में काम चल जाएगा, स्मेल्स ओके, खराब गंध है यार, गंध कैसा है, खराब गंध है, स्मेल्स बैड, खराब गंध है, स्मेल्स बैड, बैड स्मेल यार, स्मेल्स बैड, बढ़िया गंध है, स्मेल्स वंडरफुल, यानी वंडरफुल स्मेल, उलट सकते हो, वंडरफुल स्मेल, बैड स्मेल, ओके स्मेल, गुड स्मेल, स्वीट स्मेल, राइट। तो जैसे मन करो बस बोलो, आ जाएगा बोलना, बहुत कष्ट नहीं है। इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि अब अंग्रेजी पढ़ने के लिए आपको टेंशन लेना ना पड़े, घर बैठे मोबाइल उठाओ और मोबाइल में आप ऑनलाइन क्लास करो, मोबाइल बैच, अपने मोबाइल को लैपटॉप से जोड़ो, अपने मोबाइल को टीवी से जोड़ो, नहीं तो मोबाइल ही आजकल बड़े बड़े आ रहे हैं, उसी में आप पूरा क्लास जो मैं पढ़ाता हूं दिल्ली में, घर बैठ के आप पढ़ सकते हो। नहीं पढ़ सकते, मोबाइल मजा नहीं आता, दिल्ली आ जाओ, दिल्ली अब दूर है, एक दो महीने रहने किराया ले लो, एक दो महीने में आराम से रहो और अपना आप क्लास कंप्लीट करो। पूरे भारत में क्रांति फैलानी है तो दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली आके पढ़ सकते हो। इतना पढ़ने के बाद आपको टेस्ट देना चाहते हो तो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। आप वेबसाइट पर जाएं और सारे सब्जेक्ट का टेस्ट लें
और टेस्ट लेके अपने आप को आजमाए कि आपका लेवल क्या है, आपकी स्थिति कैसी है। www.dsl.com पे एक रुपया में एक टेस्ट है, 365 में 365 दिन टेस्ट दो, हर दिन टेस्ट दो। किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो टेस्ट दो, लेकिन मैं चाहता हूं बच्चे कि आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो। पैसा कमाने के लिए टेस्ट नहीं दिया हमने, मैं चाहता हूं कि आप टेस्ट दे करके आप अपने लेवल को बढ़िया करें, आप बढ़िया दें। SSC UPSC दुनिया का कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप 365 दिन लगातार टेस्ट दीजिए। आपके लिए मैंने बनाया है, आपके लिए काम किया है। ये पूरा वीडियो आपने देखा, ये पूरे भारत में इसको शेयर करिए। हर बच्चों को जरूरत है, हर बच्चे को आप मदद करिए और पूरे भारत में क्रांति की तरफ लाइए। मैं अंग्रेजी आपको सिखा करके छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू वेरी मच, फिर से मिलते हैं हम लोग।